तीन दिन दूध में उबाल कर पी लो, आपको जिंदगी भर जोड़ों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, दिल की बीमारी, पेट के रोग और डायबिटीज आपको कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका आपने सेवन भी जरूर कर रखा होगा और आपके लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, उन दो चीजों का यदि आप दूध में उबाल कर प्रयोग कर लेते हैं तो आपका जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है या कंधे, कमर, कलाई, कहीं पर भी आपको दर्द रहता है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वो भी तीन दिन में। दोस्तों, इन दोनों चीजों को आपने कच्चे रूप में ही प्रयोग करना है दूध में उबाल कर। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इन दोनों चीजों से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपका शरीर बीमार रहता है, थोड़े से संक्रमण के बाद ही आप काफी बीमार पड़ जाते हैं, तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। आपकी इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप स्ट्रोंग रहेंगे और आपको कोई भी बीमारी जल्दी से पकड़ में नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यदि आपको मोटापा है, मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब आप इसका सेवन करें, क्योंकि दोस्तों आजकल मोटापा एक आम बीमारी हो गई है और जब हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है तो हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर कोई भी मोटा हो जाता है व्यक्ति, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल लो आ जाता है, कोई भी काम करने का उसका मन नहीं करता। दोस्तों, यदि आप थकावट महसूस करते हैं, यानी हर टाइम आप थके थके रहते हैं, आपका लेटने को मन करता है, सोने को मन करता है, तब आप इन दोनों चीजों का सेवन करें दूध में उबाल कर। दोस्तों, वात, पित्त और कफ से आप बचना चाहते हैं, तब आप इसका सेवन जरूर करें। यदि आपके शरीर में खून कम है, खून बढ़ाना चाहते हैं और अनेक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों को आपने दूध में उबाल कर पीना है। डायबिटीज होने का आपको खतरा है या डायबिटीज पहले से है, तब भी आप इसका सेवन जरूर करें। गठिया की आपको बीमारी है, यानी जोड़ों में दर्द रहता है और आपके हाथ पैर नहीं हिलते, तब भी आपने इसका सेवन करना है। आप अपना पाचन बेहतर बनाना चाहते हैं, पाचन शक्ति दुरुस्त बनाना चाहते हैं, तब आप इसका सेवन करें। यदि आपको माइग्रेन का दर्द है, यानी सिर में, आधे सिर में दर्द रहता है या पूरे सिर में भी दर्द रहता है, तब आप इसका सेवन करें तो आपको काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको किडनी की कोई भी बीमारी है, तब आपने इस दोनों औषधियों का सेवन करना है। यदि आपको दिल की बीमारी है, आपको हार्ट अटैक आने का डर रहता है या आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है, गंदगी जमा है, आप इसको सही करना चाहते हैं, तब भी आपने दोनों चीजों का सेवन करना है दूध में उबाल कर। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि वो दो चीजें कौन सी हैं। दोस्तों, पहली चीज हल्दी और दूसरी चीज अदरक। और ध्यान रखना है दोस्तों आपने कि आपने इन दोनों चीजों को कच्चा ही लेना है, कच्ची हल्दी और कच्चा अदरक। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हल्दी एक भारतीय वनस्पति है, हर घर में इसका प्रयोग जरूर किया जाता है। हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, हल्दी खाने से आप की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपको संक्रमण की बीमारियों से बचाव होता है, यानी कोई भी संक्रमण आपको नहीं लग सकता। और हल्दी में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कम करने के गुण होते हैं। और दोस्तों, ये शरीर में खून को बढ़ाने में भी मदद करती है। डायबिटीज में भी हम इसका बहुत सेवन करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके आसपास भी बीमारियां नहीं होती। दूसरी चीज है अदरक। अदरक बहुत ही कमाल की औषधि है। अदरक प्रकृति दर्द निवारक है। दोस्तों, आपके शरीर में यदि कोई भी सूजन है तो इसके सेवन से वो दूर हो जाती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि गैस, अपच, सर्दी और सिर दर्द जैसी बीमारियों को बिल्कुल चुटकी में ही दूर कर देता है। अदरक कई औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई है, तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। तो आप इन दोनों चीजों का सेवन जरूर करें। इन दोनों चीजों को आपने कच्चा ही लेना है। अब आपको बताते हैं कि आपने औषधि कैसे बनानी है। आपने दोस्तों गैस पर कच्चा दूध चढ़ा देना है। एक पैन में कच्चा दूध लेना है, यानी आप एक गिलास के करीब ले सकते हैं दूध। और आपने इसमें दोस्तों कच्ची हल्दी, जैसे कि ये मैंने ली है कच्ची हल्दी, आपने इसको या तो कद्दूकस कर लेना है या फिर ऐसे ही थोड़ा सा तोड़ के डाल सकते हैं दूध
में। और दोस्तों दूसरी औषधि आपने कच्चा अदरक लेना है। इस तरीके से आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें और आपने इसको या तो दरदरा कूट लें और या फिर आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं दूध में। अब आपने दूध को 2 से 3 उबाल देना है। अगर आपको दोस्तों डायबिटीज है तब आपने इसमें कुछ और नहीं डालना है, जैसे कि मिश्री, शक्कर, चीनी कुछ नहीं डालना है। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तब आपने इसमें मिश्री डाल लेनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप शक्कर डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, व्हाटएवर। दोस्तों आपने इस औषधि को तैयार करना है और इसका सेवन करना है। आपने दोस्तों 3 दिन इसका सेवन करना है। 3 दिन में आपके जो शरीर है वो बिल्कुल सही होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो मैंने पहले बीमारियां बताई हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी इससे। तो दोस्तों अगर आप भी इन बीमारियों से पीड़ित हैं जो मैंने सब ऊपर बताई है तो आप इसका सेवन जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताना कि आपको कितना फायदा हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।